प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान मार्च पे निकल चुके हैं, शपथ दिलाई जा चुकी है और इस अभियान को जन भागीदारी से जोड़ने का जो अनूठा प्रयास आज हो रहा है उसके कुछ दृश्य हम आपको दिखाते हैं। इंडिया गेट लिए चलते हैं। इंडिया गेट में दरअसल इस मार्च की तैयारी से ठीक पहले का ये दृश्य है जब प्रधानमंत्री भाषण देकर नीचे उतरे, उसके बाद झंडा दिखाया गया और झंडा उन्होंने दिखाया और जब चल पड़ा वो मार्च तो वो खुद भी उसमें शरीक हो गए। 4 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, यानी किसी भी अभियान को जन आंदोलन की शक्ल में जब तक नहीं लाया जाए तब ये मुश्किल होता है। और महात्मा गांधी इस बात के लिए कहीं ना कहीं इतिहास में हर वक्त याद किए जाते हैं। और आपको जान के इस बात को हैरत होगी कि चीन में एक जिस वक्त क्रांति हो रही थी और उसके भारत को आज़ादी मिल रही थी, बहुत बाद में इस बात का जिक्र चीन माओ ने किया था कि उन्हें इस बात की जानकारी बाद में मिली कि ये हमारे यहाँ जन क्रांति हो रही थी लेकिन वहाँ तो जन आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी को जन आंदोलन से जोड़ा था माओ ने। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है महात्मा गांधी बहुत ही सरलता से लोगों के जीवन और उनके जीवन जीने के तौर तरीके में अपने सिद्धांत को उतारते थे। मसला ये है कि इस दौर में सिद्धांत गायब हो गया है और लोगों की जिंदगी को, उनके सरोकार को कहीं ना कहीं सामाजिक मजबूरी, सामाजिक जरूरत और सामाजिक विषमताओं के बीच स्थितियों को उतारने और बताने की कोशिश लगातार हो रही है। और यही वो बड़ी वजह है जिसको लेकर इस बात का जिक्र होता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया कि मैं सिर्फ महात्मा गांधी के उस राजनीतिक आज़ादी का जिक्र नहीं कर रहा हूं बल्कि एक स्वच्छ और विकसित देश की कल्पना भी की थी तो उसे मैं साकार करने की कोशिश करूंगा। अमिताभ वहीं पर मौजूद हमारे संवाददाता। अमिताभ, क्या देखा आपने और क्या समझा जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं कि जन अभियान के तौर पर स्वच्छता अभियान को जोड़ दिया जाए? देखिए, दो चीज़ें साफ है। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट सफल इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ राजनीति नहीं थी, पूरा देश साथ था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, तब किसानों ने अन्न से भर दिया था पूरे देश को, देश को कष्ट नहीं हुआ था। उसी तरह से इसे वो जन आंदोलन बनाना चाहते हैं। उन्होंने बार बार ये कहा है प्रसून, कई बार कहा कि इसे इसमें राजनीति बातें नहीं आनी चाहिए। अपने जो उनके साथ अभियान में लगे हुए लोगों उनसे अपील भी की कि इसमें राजनीतिक बातें कोई ना करे, बस एक चीज पर ध्यान रखे कि 125 करोड़ लोगों का साथ चाहिए तभी ये क्लीन इंडिया मिशन सफल होगा। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश है, एक 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 पहल है स्वच्छ भारत की। कम से कम गांधी के चश्मे से भारत को देखने की ये कोशिश है कि स्वच्छ भारत का अभियान जो है, साफ भारत का अभियान जो है वो सफल हो। इसमें देशवासी साथ दें, केवल सरकार, केवल मंत्रियों के झाड़ू लगाने से काम नहीं होगा। ये नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से साफ साफ कहा है प्रसून। तो जाहिर तौर पर संदेश यही है कि राजनीति से परे हटकर, राजनीति से इतर एक पहल है जिसमें सभी दल, सभी लोग, पूरा देश साथ दें। यकीनन आज दो चीजें हमने अमिताभ नई देखी। एक तो बहुत खुलकर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र कई बार किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, अक्सर लोग भूल जाते थे 2 अक्टूबर के दिन। और दूसरी बड़ी बात हमें एक नज़र आई आज कि एक तो शशि थरूर को 9 आमंत्रित लोगों में जो कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस की सरकारों ने अच्छा काम किया इसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक नया बदलाव है, नई स्थिति है। क्या ये जन अभियान में महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि अब राजनीति से इतर एक नए चश्मे के साथ सबको जोड़ने की पहल होनी चाहिए और किसी की आलोचना नहीं भी होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल प्रसून, एकदम जाहिर तौर पर जो भाषा नहीं है वो सीधे सीधे राजनीति से परे है। वो एक पहल बता रहे हैं जिसमें लोगों को जोड़ना है, वो इसे एक पहल बता रहे हैं जिसमें राजनेताओं को जोड़ना है, वो एक पहल बता रहे हैं जिसमें तमाम राजनीतिक दलों को जोड़ना है, धर्म गुरुओं को, गुरुओं को जोड़ना है, आध्यात्मिक गुरुओं को जोड़ने के लिए अपील की है, फिल्म कलाकारों को अपील की है, क्रिकेटरों से अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू कर दिया है जिसमें आज उन्होंने 9 लोगों को आमंत्रित किया है प्रसून कि अपने अपने इलाकों में झाड़ू लगाएं, वो जाकर सफाई अभियान में लगे, जिसमें गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा है, सचिन तेंदुलकर है, ऐसे ऐसे कई 9 इमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। उनसे कहा है कि ऐसे 9 लोगों की चेन वो भी बनाएं। आगे भी उन्होंने कहा है कि 9 लोगों की चेन वो बनाएं ताकि ये 9 की जो कड़ी है ये आगे बढ़ती रहे। तो जाहिर तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को याद करना, गांधी के चश्मे से देश को आगे बढ़ाने और देश की सफाई के अभियान में लगना, तो प्रसून एक चीज तो साफ है कि कम से कम इसमें राजनीति, इस पहल को राजनीति से न जोड़ने की एक अपील भी है, एक कोशिश भी है ताकि देश स्वच्छ सके। एक छोटा सा जवाब, 9 लोगों को आमंत्रित जो किया गया है वो 9 लोग क्या आए हैं यहाँ पर? क्योंकि आमिर खान का नाम नहीं लिया लेकिन आमिर खान नजर आए।
देखिए आमिर खान को यहाँ मंच पर न्योता भेजा गया था आमिर खान को मंच पे आने का प्रसून, लेकिन जिन नौ लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है वो अपने अपने इलाकों में काम करने को कहा है, उनके लिए यहाँ आमंत्रण की जरूरत नहीं थी कि वो यहाँ बनाए। नहीं इसका मतलब अमिताभ इसका मतलब ये है कि ये नौ ब्रांड एम्बेसडर है प्राइम मिनिस्टर के इस काम में। नहीं उन्होंने देखिए उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ब्रांड एम्बेसडर, उन्होंने बस इतने कहा कि जिन नौ लोगों को जानता हूं जिनने सलमान फिल्मी पर्सनालिटी भी है, सलमान खान का नाम लिया उन्होंने, उन्होंने सचिन तेंदुलकर का नाम लिया है, गोवा की गवर्नर मृदुला सिन्हा का नाम लिया है, ऐसे ऐसे छह और हैं, छह और पर्सनालिटीज हैं प्रसून। तो जाहिर तौर पर उनको कहा गया है कि आप जिन इलाकों में हो उस इलाकों में काम करें और सोशल मीडिया में आप अपने नौ मित्रों को और उन नौ लोगों को जोड़ें जो कि सफाई में आगे काम करें। यही नौ लोगों की कड़ी अगले पांच साल तक लगातार अटूट कड़ी बनाने को कहा है ताकि काम आगे बढ़ता जा सके प्रसून। तो जाहिर तौर पर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक ये काम शुरू हो गया है, एक पहल है जिसे राजनीति से दूर करने की सलाह और अपील बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। यकीनन ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री, लेकिन एक चीज जानकारी और हमें लगता है होनी चाहिए दर्शकों को भी कि जिस समय लाल बहादुर शास्त्री को वाल्मीकि बस्ती की स्थिति दिखाने ले गए थे और इन्होंने बोला था कि आप जाके देखिए वहाँ पर हाशिए पर पड़ा समाज मुख्यधारा से क्यों कैसे कट जाता है, और लेकिन तब उन्होंने जिक्र किया था कि आप इसे ऐसा ना सोचें कि ये प्रधानमंत्री का काम है, चूंकि आप प्रधानमंत्री हैं इसीलिए आपको ये देखना चाहिए, लेकिन स्थिति इस देश के भीतर हर व्यक्ति को शिरकत करके ही करनी होगी, इसीलिए महात्मा गांधी भी किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन एक जानकारी जो हमें प्रोफेसर मक्खनलाल ने दिया ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जॉन मेजर ने 1988 से 1992 के दौरान ब्रिटेन में कुछ ऐसा ही अभियान शुरू किया था और जो आज चकदक करता हुआ ब्रिटेन नजर आता है उसकी वो शुरुआत थी, तो वह चीज़ें बदल सकती हैं।